हेलो एवरीवन, वन डे सब्जेक्ट्स में आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट ग्रिड्स के बारे में. इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट ग्रिड्स, जिसका सब्जेक्ट कोड है KOE 084. उसमें हम पहली यूनिट से स्टार्ट करेंगे, जो कि है इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट ग्रिड. उसका इवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस और नीड एंड फंक्शंस. तो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्मार्ट ग्रिड एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स. स्मार्ट ग्रिड है क्या और उसके फीचर्स क्या हैं? तो स्मार्ट ग्रिड की डेफिनेशन दी हुई है कि स्मार्ट ग्रिड इज एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क दैट कैन स्मार्टली इंटीग्रेट ऑल क्लाइंट्स कनेक्टेड टू इट इन ऑर्डर टू एफिशिएंटली डिलीवर सस्टेनेबल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड सिक्योर पावर सप्लाईज. इसका क्या कहने का मतलब है? ये एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क है. हम लोग जानते हैं, हर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट या कोई भी आप अगर किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, ये जानते हैं कि हमारा जो सप्लाई होता है वो ग्रिड से कनेक्टेड होता है. इसकी इवोल्यूशन आगे हम पढ़ेंगे, बट ग्रिड हम सब जानते हैं कि ग्रिड से सप्लाई आती है. तो इसमें जो एक वर्ड स्मार्ट ऐड हुआ है, तो स्मार्ट तो अब हम हर चीज़ पढ़ रहे हैं. स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, हर चीज़ स्मार्ट. जो कन्वेंशनल तरह से वॉच पहले भी थी, फ़ोन पहले भी था, बट अब क्या है कि उसमें जो और रियल टाइम हमको जो चीज़ मिल रही है उससे वो क्या हो जा रहा है? स्मार्ट हो जा रहा है. तो ऐसा हम ग्रिड में भी अप्लाई कर रहे हैं. ग्रिड में क्या है? इलेक्ट्रिक नेटवर्क है ग्रिड, जो कि ग्रिड अपने आप में इलेक्ट्रिक नेटवर्क है. स्मार्ट ग्रिड भी एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क ही है दैट कैन स्मार्टली इंटीग्रेट. ग्रिड भी इंटीग्रेशन कर रहा था, स्मार्ट ग्रिड क्या करेगा? स्मार्टली इंटीग्रेट करेगा ऑल क्लाइंट्स कनेक्टेड टू इट इन ऑर्डर टू एफिशिएंटली डिलीवर सस्टेनेबल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड सिक्योर पावर सप्लाई. ग्रिड का भी यही काम है कि इंटीग्रेट करना सारे क्लाइंट को कनेक्टेड टू इट और सप्लाई देना. स्मार्ट ग्रिड का भी यही काम है, बस वो स्मार्टली करेगा ताकि हमारी जो डिलीवरी हो रही है, जो कनेक्शन हो रहा है और जो सप्लाई की डिलीवरी हो रही है, वो एफिशिएंट हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, सस्टेनेबल हो और पावर सप्लाई सिक्योर्ड हो. ठीक, नेक्स्ट आता है उसके फीचर्स पे. तो फीचर्स क्या क्या हैं? उसके फीचर्स क्या हैं? इट शुड बी मोर सिक्योर. हमें अभी पढ़ा सिक्योरिटी, मतलब जितनी सिक्योरिटी हमको पहले मिल रही थी पावर सप्लाई की. सिक्योरिटी इन द सेंस कि हमको एक रेगुलर पावर सप्लाई मिलती रहे, पावर सप्लाई में इंटरप्शन ना हो. तो पावर सप्लाई तो हमको ग्रिड से भी मिल रही थी, स्मार्ट ग्रिड से क्या हो और ज़्यादा सिक्योरिटी मिले पावर सप्लाई की. स्मार्ट ग्रिड इज़ अ सेल्फ हील्ड एंड रेजिलियंट सिस्टम. इट कैन सिक्योर इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम डैमेजेस ड्यू टू फिजिकल, इंटरनल एंड नेचुरल डिजास्टर. अब कोई भी अगर डैमेज हो जाता है, कुछ भी फिजिकल हो या कुछ नेचुरल डिजास्टर की वजह से, तो ग्रिड में हमें क्या करना पड़ता था कि पहले फॉल्ट डिटेक्ट करना है और उसके बाद उसको जा करके ठीक करना है. तो स्मार्ट ग्रिड क्या है? सेल्फ हील्ड, मतलब अगर कोई दिक्कत हुई है तो वो खुद को ही ठीक कर सकता है अपने आप, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. रेजिलियंट मतलब अपने आप को सुरक्षित रख पाता है ड्यू टू फिजिकल, इंटरनल एंड नेचुरल डिजास्टर्स. बाय यूजिंग साइबर सिक्योरिटी इट सिक्योर्स द ग्रिड फ्रॉम टेररिस्ट, साइबर अटैकर्स एंड हैकर्स. ये भी है कि स्मार्ट ग्रिड क्या करते हैं? साइबर सिक्योरिटी. ये सारी चीज़ें हम लोग अभी आज के डेट में ये सब नई नई हैं, पढ़ रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या, साइबर थ्रेट क्या है और उसके लिए हमें साइबर सिक्योरिटी चाहिए होती है. नेक्स्ट, इट शुड बी मोर एफिशिएंट. जितनी एफिशिएंसी हमको अभी मिल रही है नॉर्मल कन्वेंशनल ग्रिड से, स्मार्ट ग्रिड से हमें उससे ज़्यादा एफिशिएंसी मिलनी चाहिए. सो लीड्स टू कॉस्ट कंट्रोल, नॉमिनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस. मतलब कॉस्ट में भी हमें कटौती मिले, जितना हमें लागत अभी लग रही है उससे कम लागत में हमारा काम हो जाए, जितनी लॉसेस अभी हो रहे हैं हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में उससे कम हमारे लॉसेस रहें. एडवांस मीटरिंग फॉर कंज्यूमर्स टू मैनेज द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यूसेज. मीटरिंग सिस्टम उस तकनीक से बने कि जिससे हमारा जो एनर्जी यूसेज, जितनी हम एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिजली का बिल आता है. तो अगर हम उसको ढंग से कर सकें तो उससे हमारे बिजली के बिल भी बचेंगे. फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जनरेशन एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फंक्शंस मेक स्मार्ट ग्रिड मोर एफिशिएंट.
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जनरेशन, पावर जनरेशन जनरेशन के तीन हमारे सप्लाई के तीन सिस्टम होते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जो स्टूडेंट्स नॉन इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें थोड़ी सी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें नहीं जानते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के हैं वो ये चीज़ समझते हैं। हमारा आप ये सुनते होंगे, जो नॉन इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के लिए उनके एक बार ब्रीफिंग दे दूँ, तो ये एक जनरेटिंग सिस्टम होता है, एक ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जनरेशन हमारा 11 केवी पे होता है, 11 किलो वोल्ट पे। हमारा जनरेशन इतने वोल्टेज पे होता है, लेकिन इतने वोल्टेज पे हम ट्रांसमिशन नहीं करते, हम उसको हमेशा स्टेप अप करते हैं। जनरेशन से स्टेप अप करते हैं उसको, या तो 110 केवी पे करते हैं। आपने ये सुना होगा 33 केवी, 66 केवी, 110 केवी या फिर 220 केवी, इस तरह के वोल्टेजेस पे हम लोग उसको स्टेप अप करते हैं ट्रांसमिशन के दौरान। और डिस्ट्रीब्यूशन पे जब वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे, तो उसी को वो फिर स्टेप डाउन कर लेते हैं। फिर वापस से हम इस ये जो इतने हाई वोल्टेजेस पे हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसको घटा करके हम उसको डिक्रीज कर देते हैं, लोअर वोल्टेजेस पे ले आते हैं, और फिर उसे कंज्यूमर्स को हम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के थ्रू भेज देते हैं। तो यही कह रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जनरेशन एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग। रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब है कि जैसे जिस हर एक एक मोमेंट की खबर रखना। अभी क्या है कि हमको हर एक एक मोमेंट की एकदम पल पल की खबर नहीं हो पाती है, लेकिन स्मार्ट ग्रिड से हमको पल पल की खबर रहेगी कि कितना कहाँ पर क्या है। अगर कोई फॉल्ट है तो वो भी बताएगा, अगर कोई बाकी और दिक्कतें हैं तो वो भी बताएगा। इट शुड बी मोर रिलायबल, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल होना चाहिए। प्रोवाइड्स पावर व्हेन एंड वेयर इट्स यूजर्स नीडेड एंड ऑफ द क्वालिटी दे एक्सपेक्ट। मैनेजिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट रिलायबल, जनरल है। इट शुड बी मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। होता क्या है कि जब हम लोग इतने हाई जनरेशन पावर पे ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, तो आसपास के जो एनवायरमेंट को भी वो इफ़ेक्ट करता है। बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में आप देखिए तो अगर फॉल्ट हो जाता है, तो जब तार टूट के गिरता है नीचे, तो उससे खतरा रहता है। तो ये रहता है कि अगर जो हमारी प्रेजेंट में ये सब अगर दिक्कतें हैं, तो वो चीज़ इससे सॉल्व हो सके। इट रिड्यूसेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट थ्रू इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड बाय अलाउइंग द इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज परसेंटेज ऑफ इंटरमिटेंट रिसोर्सेज दैट कुड अदरवाइज बी रिलायबली सपोर्टेड। इंटीग्रेशन ऑफ रेन्यूएबल जनरेशन मेक्स इट एनवायरमेंट फ्रेंडली। रेन्यूएबल जनरेशन, हमारा रेन्यूएबल जनरेशन के साथ भी जो अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए, तो जो CO2 एमिशन है जो कि एक कारक है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। सेफर, सेफ्टी भाई, अगर इतने हाई वोल्टेजेस पे हम काम कर रहे हैं तो हमारी सेफ्टी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो ऑपरेट कर रहा है बंदा उसकी उसके लिए तो सब लाइफ दांव पे लगी है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर अभी क्या है कन्वेंशनल सिस्टम में कि कोई अगर फॉल्ट होती है तो उसको हम लोग वो एरिया को कटआउट करते हैं और फिर वहाँ पर मैनुअली जाकर के कोई बंदा उसको सही करता है। तो लीकेजेस तो फिर भी हो सकती हैं कुछ ना कुछ, तो उसमें भी जान का खतरा तो रहता ही है। बट स्मार्ट ग्रिड के साथ क्या होगा, इट डज नो हार्म टू द जनरल पब्लिक और टू द ग्रिड वर्कर एंड इट्स रिसेप्टिव टू कंज्यूमर्स हु डिपेंड ऑन इट एज अ मेडिकल नेसेसिटी। कम्युनिकेशन नेटवर्क लेयर विच इज़ कंप्यूटराइज बेस्ड फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग मेक इट सेफर। जो भी हमारा कम्युनिकेशन है वो कंप्यूटराइज है, तो उससे जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग है वो फास्टर भी होती है और सेफर भी होती है। मोर कॉस्ट इफेक्टिव, भाई कॉस्ट में तो कटौती होनी होगी ही। फिर नेक्स्ट है हमारा, हाउ स्मार्ट ग्रिड मैनेजेस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे मैनेज करता है स्मार्ट ग्रिड, लोड एडजस्टमेंट। तो पहला हमारा लोड एडजस्टमेंट, तो जो नॉन इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को समझे, इलेक्ट्रिकल वाले तो समझ रहे होंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। अब जो कि ये कॉमन टू ऑल ब्रांचेस है, तो फिर ये तो किसी भी ब्रांच में चल सकता है। तो लोड एडजस्टमेंट क्या होता है, तो पहले इस चीज़ को समझिए कि हमारे
कुछ टाइम पे समझिए एक पीक आवर टाइम्स होते हैं, मतलब जब हमारी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, अचानक से डिमांड हाई हो जाती है, तो हमारी जनरेशन तो उतनी हो रही है और डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, तो क्या हुआ, पीक आवर टाइम हुआ। अब अगर मैं गर्मियों की बात करूँ तो गर्मियों में हमारे एसी बहुत चलते हैं, जो कूलर्स चलते हैं और भी इस तरह के जो कूलिंग सप्लाई अप्लाइंसेज हैं बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। वही ठंडी में बात करें तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाती है तो डिमांड घट जाती है। तो अब गर्मी में ये सब पीक आवर टाइम हो गया। पीक आवर टाइम में भी एक दिन में भी बहुत सारे ऐसे फ्लक्चुएशंस होते हैं, दिन में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, रात को थोड़ी ठंड हो जाती है तो हम बंद कर देते हैं, या इस तरह की जो चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो ओवरऑल लोड इज़ नॉट स्टेबल। तो ऐसे क्या है, एक दिन में वैरी हो रहा है, सीज़न टू सीज़न वैरी हो रहा है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग किसी दिन बारिश हो गई तो हमने बंद कर दिया, किसी दिन बहुत तेज़ धूप हो गई तो हमने सब ऑन कर दिया। तो क्या है, वेरिएशन हो रहा है, ये फ्लक्चुएशन यानी कि स्टेबिलिटी नहीं है। लोड जो हमारा लोड है, जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम एक साथ बहुत सारी कहीं पर किसी दिन शादियां हो जा रही हैं तो वहाँ पर कंजम्पशन बढ़ जा रहा है, या इस तरह की चीज़ें, तो लोड स्टेबल नहीं है। सो द टोटल लोड कनेक्टेड टू द पावर ग्रिड कैन वैरी सिग्निफिकेंटली। जितना टोटल लोड पावर ग्रिड पे कनेक्टेड है वो वैरी करेगा ना। इन अ स्मार्ट ग्रिड द लोड रिडक्शन बाई इवन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द क्लाइंट मे बी मे एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम। ये चीज़ स्मार्ट ग्रिड एलिमिनेट कर सकता है या फिर रिड्यूस कर देगा, इस तरह की फ्लक्चुएशन हो या अगर होती है तो वो मैनेज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है डिमांड रिस्पॉन्स सपोर्ट। डिमांड रिस्पॉन्स जैसा अभी बताया कि जैसा हमारा डिमांड हो, इट प्रोवाइड्स यूजर्स विद एन ऑटोमेटेड वे टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बाय अलाउइंग देम टू प्लान द यूज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एज पर रेट्स। एज अ कंज्यूमर, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमको ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने बिजली के बिल कैसे रिड्यूस कर सकें बाई प्रोवाइडिंग द प्लान्ड यूज़ ऑफ दीज डिवाइसेस। कितने डिवाइस किस तरह से कैसे यूज़ करें जिससे हमारे बिजली का बिल कम आए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जनरेशन, सो डिसेंट्रलाइज ग्रिड सिस्टम परमिट्स द इंडिविजुअल यूजर्स टू जनरेट ऑन साइट पावर बाई यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। ऑन साइट पावर यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये इवोल्यूशन है, ये थ्योरी है, ये तो आप पढ़ के भी समझ जाएंगे। उम्मीद कम है आने की, इन आता है तो फिर आप कर सकते हैं, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। ये सारी हिस्ट्री की चीज़ें हैं, हिस्ट्री में बताया था कि 1870-70 में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल ग्रिड। ये देख लेते हैं कि इवोल्यूशन इंडियन नेशनल ग्रिड कैसे हुआ, इसको देख लेते हैं। तो इनिशियली क्या था कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 में आज़ाद होने के बाद हमारे जो ग्रिड सिस्टम थे वो क्या थे, स्टेट वाइज थे, हर एक एक स्टेट का अपना ग्रिड था। ठीक, इनिशियली ग्रिड डेवलपमेंट वॉज डन स्टेट वाइज एंड ग्रिड मैनेजमेंट ऑन रीजनल बेसिस। तो 1947 से 1947 से हमारा 1960 तक समझिए स्टेट वाइज था। 60 के बाद आफ्टर 60 हमने क्या किया, रीजन वाइज कर दिया। रीजन वाइज का मतलब क्या हो गया कि हमने उसको पांच पांच रीजन में बांट दिया। पांच रीजन में कौन कौन से थे, इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म रीजनल ग्रिड्स। पांच रीजन नेमली नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी, फिर ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और सदर्न रीजन। ये पांच रीजन में हमने बांट दिया। ठीक, अब ये पांच रीजन में बांटने के बाद हमने क्या किया, 1991 में, 1960 से 1991 तक ऐसे ही चला। 1991 में हमने क्या किया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और ईस्टर्न ग्रिड को आपस में जोड़ दिया। फिर 2003 में हमने क्या किया, वेस्टर्न रीजन को जैसे इन दोनों से, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जोड़ दिया। मतलब ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है और ये साउथ है। तो पहले हमने क्या किया, पहले इन दोनों को जोड़ा। ठीक, फिर हमने क्या किया, फिर हमने इन तीनों को भी जोड़ दिया ऐसे। फिर क्या किया, 2006 में हमने क्या किया कि नॉर्थ और ईस्ट ग्रिड्स, नॉर्थ और ईस्ट ग्रिड्स इन सबको भी आपस में जोड़ दिया। तो हमने क्या किया, एक सेंट्रल ग्रिड सिस्टम बना दिया। अभी साउथ नहीं जुड़ा था, साउथ अलग था, ये एक सेंट्रल ग्रिड सिस्टम बन गया और एक साउथ बन गया। तो
तो 2006 में देयर बाय फोर रीजनल ग्रिड्स, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड्स वर सिंक्रोनसली कनेक्टेड फॉर्मिंग सेंट्रल ग्रिड ऑपरेटिंग एट वन फ्रीक्वेंसी। फिर क्या था, सदर्न ग्रिड रीजन वॉज कनेक्टेड टू सेंट्रल ग्रिड इन सिंक्रोनस मोड ऑन 31 दिसंबर 2013। 2013 को, 2013 में हमने ये सारी सिस्टम को आपस में जोड़ दिया, देयर बाई अचीविंग वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी। अब क्या है हमारा 2013 ऑनवर्ड्स, 31 दिसंबर यानी कि 2014 ऑनवर्ड्स क्या है हमारा, जो एक देश है, एक ग्रिड है और एक फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कुछ भी है, 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। तो ये हमारा टोटल जो इंडियन नेशनल ग्रिड का इवोल्यूशन है। पहले पांच, पहले स्टेट वाइज थे, स्टेट वाइज से हमने रीजन वाइज किया, रीजन वाइज में पांच रीजन में डिवाइड किया। अब उन रीजन्स को एक एक करके कनेक्ट किया, पहले नॉर्थ और नॉर्थ पहले ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट किया, फिर उन दोनों को वेस्ट से कनेक्ट किया, फिर नॉर्थ को भी उससे कनेक्ट किया और टोटली फिर सब मिला के साउथ को भी आपस में जोड़ दिया। तो अब हमारा क्या है, सिंक्रनस क्या होता है कि मतलब एक सिंक में काम कर रहा हूँ, एक सिंक में सारे सिस्टम्स काम कर रहे हूँ, तो उसको कहते हैं सिंक्रनस। नॉन इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से जो है इतना समझ लीजिए, बहुत है, वरना डेप्थ में तो बहुत ज़्यादा है सिंक्रनस का मतलब। तो ये था, ये एक फ्लो चार्ट की तरह दिखाया गया है कि अक्टूबर 1991 में नॉर्थ ईस्टर्न ईस्टर्न ग्रिड्स वो कनेक्टेड, फिर 2003 में वेस्टर्न विथ दिस वो इंटरकनेक्टेड, और 2006 में सेंट्रल ग्रिड स्टार्ट्स ऑपरेटिंग एट वन फ्रीक्वेंसी, और फाइनली 2013 में वी अचीव वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी। ओके, ये डेफिनेशंस हैं, इसलिए भी कुछ खास नहीं, आप पढ़ सकते हैं वेरियस डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट ग्रिड कि किस किस प्लेटफॉर्म ने क्या क्या कह रहे हैं ये। ओके, सो नेक्स्ट आता है नीड, व्हाट इज द नीड ऑफ स्मार्ट ग्रिड। ओके, सो वीडियो की लेंथ फिर बड़ी हो रही है, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं।